नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की गैंगरेप के बाद की गई हत्या के बाद देश भर में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की मांग है कि दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे सकता तो चारों को जनता के हवाले कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस केस के सभी आरोपियों को तेलंगाना की हाई सिक्योरिटी चेरलापल्ली जेल में रखा गया है। हालांकि उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें लंच में दाल रोटी और डिनर में मटन करी के साथ चावल दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल में आरोपियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनके हाव भाव से लग रहा है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। आरोपियों ने इस घटनाक्रम को 27 नवंबर बुधवार की रात अंजाम दिया था। महिला डॉक्टर की स्कूटी पंक्चर होने के बाद उन्होंने मदद का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में सामूहिक दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। फिर लॉरी में लाश डालकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और हैदराबाद के बाहरी इलाके में पुल के नीचे शव जला दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घरों को चले गए। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वापस आए थे। वो ये चेक करने के लिए आए थे कि शव ठीक से जला है या नहीं और कहीं मौके पर कोई सबूत तो नहीं रह गया है। उन्होंने सबूत मिटाने के मकसद से आसपास के इलाकों का कई बार चक्कर भी काटा था। इतना ही नहीं, आरोपी कुछ दूर जाकर काफी देर तक लाश को जलता हुआ भी देखते रहे थे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।